नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब लोग इस चैनल को काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं, पर फिर भी वीडियो की शुरुआत जो है मैं कुछ रिक्वेस्ट से करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग घंटों घंटों इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है उसमें से लगभग 40% को नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आने वाली किसी भी एक्टिविटी का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने पहले इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करी थी, वो एक टेस्टिंग लाइव स्ट्रीम थी, उसको भी आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, सीधे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आज के वीडियो पे आते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। और ये जो वीडियो है, जिनने भी रिक्वेस्ट करा था मैं उनका नाम नहीं ढूंढ पाया। मैंने आज कोशिश करी कुछ देर कमेंट सेक्शन में कि मैं उनको शाउट आउट देने के हिसाब से उनका नाम देख लूँ, पर मुझे वो नाम नहीं मिला उनका, वो मैं कमेंट ढूंढ नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि वो किस वीडियो के अंतर्गत है, तो फिर भी ये जिनने भी ये रिक्वेस्ट करी है शायद वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। अब कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कार्पल टनल से इस बीमारी का सीधा सीधा लेना देना है। तो दोस्तों, कार्पल टनल क्या होता है सबसे पहले हमको वो जानना पड़ेगा। कार्पल टनल को देखने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। और कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के बाद हम सीधे सीधे मेडिसिन में आपको बताऊंगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके अंदर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कार्पल टनल को समझने के लिए हम सीधे दूसरी वाली स्क्रीन पे चलते हैं। अब जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स बनेंगे। ये गूगल का पेज है जिसमें मैंने प्लेनली सर्च कर रहा है व्हाट इज कार्पल टनल, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चित्र मुझे मिला है जो कि है, अपन अलग अलग उसके अंदर डायग्राम से समझेंगे। आप ये डायग्राम देखिए, दिस इज व्हाट इज नोन एज द कार्पल टनल। ये क्या है, ये डायग्राम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये हमारा हाथ है, इस हाथ को हम अगर ऐसे स्लाइस में काटें, देख पा रहे हैं आप, ये मेरा हाथ है, इसको अगर मैं को इस तरह से काटूंगा, इस तरह से, समझ रहे, परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को कहाँ से देखना है कार्पल टनल की लोकेशन क्या है, ये मेरा हैंड है, नहीं ये आर्म है, पूरी की पूरी ये आर्म है, ठीक है ना, ये फोर आर्म है, ये फोर आर्म का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिस्ट, मतलब कलाई। तो जिस जगह पे कलाई जुड़ती है हमारे पंजे से, हमारे हैंड से, ये हमारी कलाई है, और कलाई जिस जगह पे जुड़ती है हमारे पंजे से वो ये जगह है। अगर इस जगह से हम इसको एक स्लाइस काटें, इसको पूरा क्रॉस सेक्शन में काटें, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें उसी के बारे में बताया गया है कि ये हमने अपने पंजे को कहां से सजाइटल सेक्शन में काटा है, जहां पे उसका ज्वाइंट हो रहा है रिस्ट से, ठीक है ना। अब आप यहां देख रहे हैं, ये एक दो तीन चार, ये जो चार हैं ये बेसिकली कार्पल बोन्स हैं। व्हाट आर द कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स क्या होती हैं, देखिए हाथ के पंजे के अंदर, रिस्ट के बाद और फेलिंजेस मतलब उंगलियों के पहले, ये रिस्ट है, रिस्ट के बाद ये उंगलियां हैं, तो रिस्ट हो गई, ये फेलिंजेस हो गई, मतलब ये उंगलियां हो गई हमारी, इसके बीच में इतने हिस्से में ये जो अपने हाथ का जो मेन स्ट्रक्चर बनता है, ये जो हाथ का पंजा है, ये पंजे की जो मेन बॉडी बनती है, ये बनती है कार्पल्स से, कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स, ओके। उसी तरह से पैर के पंजे के अंदर जब एंकल जुड़ता है और हमारी पैर की उंगलियां होती हैं, उसके बीच में होते हैं टार्सल्स, तो वो क्या ऐसे बनता है, पंजे की, पैर के पंजे की मेन बॉडी होती है टार्सल्स एंड मेटा टार्सल्स, ये बोन्स होती हैं, है ना। उसी तरह से हाथ के पंजे के अंदर यहाँ पे जो होती हैं ये कार्पल्स होती हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है ना, कार्पल बोन्स होती हैं, ये हड्डी होती हैं, ठीक है, तो ये कार्पल्स हो गई। अब ये कार्पल्स के ऊपर ये हमारे हाथ के ऊपर के ये लिगामेंट्स हैं, जो लाल लाल बताया जा रहा है, ये लाल लाल जो है बेसिकली मसल्स हैं, ठीक है ना।
और यहां पे आप एक छोटा सा आप ये देख रहे हैं छेद जैसा, ठीक है ना, ये कार्पल टनल होती है, ये दिस इज व्हाट इज नोन एज द कार्पल टनल, ये कार्पल टनल ये कहलाती है। अब एक बार और समझिए, ये एक दो तीन चार, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी कार्पल बोन्स, ठीक है ना, ये टेंडन्स है, ये फ्लेक्सर टेंडन्स है, ये टेंडन्स है, ठीक है ना, ये जो व्हाइट 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 आपको दिख रही है टेंडन्स है, ये येलो कलर का जो आपको जो दिख रहा है ये होता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो बेसिकली सप्लाई करती है चीटी उंगली के बगल की चार उंगलियों को, मतलब अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ठीक है ना। सिर्फ अपन उसको छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, चीटी उंगली को छोड़ देंगे, मतलब चीटी उंगली को छोड़ दें तो जो मीडियन नर्व होती है जो इस कार्पल टनल के अंदर से आ रही है वो चार उंगलियों को सप्लाई करती है, चार फैलेंजेस को सप्लाई करती है, पहला थंब, दूसरा इंडेक्स फिंगर, तीसरा मिडिल फिंगर और चौथा रिंग फिंगर। ये रिंग पहनी है मैंने, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिंग फिंगर। अब ये कार्पल टनल क्यों है यहाँ पे, आप पहले ये समझिए। देखिए ये हमारा हाथ है, ये हाथ मतलब हाथ बोलचाल की भाषा में बेसिकली ये फोर आर्म है। फोर आर्म जब पंजे से जुड़ेगा तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि इस पंजे के लिए, अब ये देखो ये यहाँ पे मेरा हाथ बड़ा दुबला है तो मैं अच्छा से ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये टेंडन्स दिख रही है, ये जो टेंडन्स हैं जो मेरे पंजे को कॉन्ट्रैक्ट करा रही हैं, बेसिकली ये टेंडन मेरे फोर आर्म से जुड़ी हैं उसी कार्पल टनल से, समझ रहे हैं आप। ये जो मेरी टेंडन्स है जो मैंने ये अपनी मुट्ठी बंद कर रहा हूं, मुट्ठी भीज रहा हूं, तो ये मुट्ठी भीजने के लिए जो टेंडिनस मोशन हो रहा है जिसके मोशन के थ्रू मैं इस मुट्ठी को बंद कर पा रहा हूं, वो सारी की सारी टेंडन्स जो हैं वो मेरी फोर आर्म से इस कार्पल टनल के थ्रू कनेक्टेड है, यही इस डायग्राम में बताया जा रहा है। एक बार और देखिए कि यहां पे क्या बोल रहा है, फ्लेक्सर टेंडन, फ्लेक्सर टेंडन का मतलब होता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब कॉन्ट्रेक्शन, कि ये जो फ्लेक्सर टेंडन्स है वो वहां से आ रही हैं, प्लस ये जो कार्पल टनल है यहाँ पे मैंने पीली कलर का जो डायग्राम में अभी फिर से दिखाऊंगा वो मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, प्लस ये जो हाथ का पूरा पंजा है इसके लिए ब्लड सप्लाई आती है, नर्व तो बता दिया मीडियन नर्व की सप्लाई होती है हाथ में, ब्लड सप्लाई आती है, वेनस ड्रेनेज होता है, तो ये सारी चीजें मतलब ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बाद वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज के बाद मीडियन नर्व के थ्रू नर्व सप्लाई, प्लस ये हाथ के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन पैदा करने के लिए, जो फ्लेक्शन पैदा करने के लिए, जो फ्लेक्शन के लिए फ्लेक्सर टेंडन्स होती हैं, इतना आइटम ट्रेवल करता है कहाँ पे, कहाँ से, कार्पल टनल के थ्रू। मतलब ये जितनी भी चीजों का मैंने आपको अभी लिस्ट बताया है ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इस छोटे से छेद से ही निकल के जाती हैं। फोर आर्म और हैंड के बीच में जो कम्युनिकेशन मेन होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए जो एक छोटा सा छेद है उस छेद के का नाम है कार्पल टनल, और उस कार्पल टनल में से क्या क्या जाता है, फ्लेक्सर टेंडन्स जाती हैं, मीडियन नर्व जाती है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जो लिगामेंट है ना इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक 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 उसमें रखता है, एक काय में रखता है, एक डिजाइन के अंदर रखता है, एक पूरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर रखता है, ठीक है ना। तो ये होती है कार्पल टनल। तो मैंने आपको अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज द कार्पल टनल। अब कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ द सिम्टम, इट इज नॉट डेजिग्नेटेड ऑफ ओनली वन और टू सिम्टम, इट इज द ग्रुप ऑफ द सिम्टम, जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ द सिम्टम जब एग्जिस्ट करता है पेशेंट के अंदर, देन आफ्टर दिस कंडीशन इज नोन एज द कार्पल टनल सिंड्रोम। अब वो क्या होता है वो हम समझते हैं, हम दोनों तरीके से समझेंगे, हम डायग्राम में भी समझेंगे और हम उसमें भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा, कार्पल टनल सिंड्रोम वर्सेस सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ये छोड़िए, ये अलग चीज है, बस आप ये समझिए कि मैंने आपको जो बताया था कि मीडियन सेल्व, मीडियन नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो इस एरिया में अगर नंबनेस एंड इस एरिया में जब भी पेन रहता है तो लोगों को ये जो पेन और नंबनेस बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है, आप समझिए लोगों को ये जो पेन और नंबनेस होता है इतने हिस्से में, इतना हिस्सा मतलब
इतना हिस्सा मतलब हम चींटी उंगली को अलग कर दें तो ये जो है ये इतना हिस्से के अंदर पेन और नंबनेस, ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं, अक्सर करते हैं, और यही कहीं ना कहीं इट कैन बी द प्रीलिमिनरी सिम्टम ऑफ व्हाट, इट कैन बी द प्रीलिमिनरी सिम्टम ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, अब इसको हम डेफिनेशन में समझते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हम ऊपर आएंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉल्ड द मीडियन नर्व कंप्रेशन। कार्पल टनल सिंड्रोम का दूसरा सिनोनेम जो है, पर्यायवाची शब्द है उसके लिए है मीडियन नर्व कंप्रेशन। इज अ कंडीशन डेट कॉजेज नंबनेस, टिंगलिंग एंड वीकनेस इन यूर हैंड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है नंबनेस, नंबनेस, वीकनेस एंड टिंगलिंग। नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाना, टिंगलिंग मतलब चीटी जैसी काटना, कई लोगों को झुंझुनी चढ़ते हैं। तो देखिए नंबनेस और झुंझुनी में फर्क होता है। नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाना, टिंगलिंग मतलब झुंझुनी आना, और वीकनेस मतलब उस हाथ की कमजोरी। ऑल दीज थ्री आर द थ्री प्रीड्रोमल सिम्टम ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन यूर मीडियन नर्व। ये क्यों होता है, ये हमारी मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह होता है। विच रन एट द लेंथ ऑफ यूर हैंड, गोज थ्रू द पासेज इन यूर रिस्ट, विच इज कॉल्ड एज द कार्पल टनल। मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व कंप्रेशन को ही कहते हैं। और ये क्यों होता है कि जब हमारे कार्पल टनल के अंदर से जो मीडियन नर्व पास कर रही है, जो यहां से कहीं से स्टार्ट होती है और हमारे हैंड को सप्लाई करती है, उसके अंदर जब कंप्रेशन होता है तो उस कंप्रेशन की वजह से ही हमको नंबनेस, टिंगलिंग और वीकनेस इन हैंड होती है। एंड ऑल दीज थिंग्स सिम्टम्स कलेक्टिवली इज नोन एज द कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना। एंड एंड्स यूर हैंड, मतलब ये सिम्टम आपको आपके हाथ के पंजे में ही महसूस होगा। द मीडियन कंट्रोल्स द मोमेंट एंड फीलिंग ऑफ यूर थम एंड द मोमेंट ऑफ ऑल यूर फिंगर एक्सेप्ट पिंकी। मतलब जो मीडियन नर्व होती है वो हमारी चारों उंगलियों के मोमेंट को कंट्रोल करती है एक्सेप्ट द पिंकी। मतलब लिटिल फिंगर की बात हो रही है, लिटिल फिंगर को छोड़ दें तो हमारा अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये सबको मतलब सबके ऊपर आती है। अब देखो कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, बर्निंग, टिंगलिंग, ईचिंग, नंबनेस इन यूर पाम, थम और योर इंडेक्स या फिर मिडिल फिंगर के अंदर, ये पहला सिम्टम है। दूसरा वीकनेस इन यूर हैंड एंड ट्रबल होल्डिंग द थिंग। ऑकवर्डनेस करके एक सिम्टम होम्योपैथी में अक्सर बताया जाता है। ऑकवर्डनेस के अंदर क्या होता है, पेशेंट अक्सर चीजों को गिरा देता है, उसकी होल्ड में उतना पावर नहीं होता। ये ऑकवर्डनेस भी कहीं ना कहीं इसका कार्पल टनल सिंड्रोम का एक लक्षण माना जा सकता है। शॉक लाइक फीलिंग दैट मूव्स इन यूर फिंगर्स, कई बार फिंगर के अंदर शॉक लाइक फीलिंग होती है जो फिंगर्स के अंदर टू एंड फ्रो हमको महसूस होती है। टिंगलिंग दैट मूव इन टू यूर आर्म, मतलब ऐसी टिंगलिंग झुंझुनी जो आपके पंजे से चालू हो और आपके आर्म में ऊपर की तरफ चढ़े, ठीक है ना। यू माइट फर्स्ट नोटिस दैट द फिंगर फॉल अस्लीप, आपको शुरुआती क्या लक्षण दिखेंगे इसके कि आपकी उंगली सो गई है। बोलते हैं ना हाथ सो जाना, पैर सो जाना, मतलब ये नंबनेस की बात हो रही है। इट यूजली हैपन्स बिकॉज ऑफ हाउ यू होल्ड यूर हैंड वाइल अस्लीप। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस पोजिशन में सो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब मैं समझता हूं कि आप इसको बात को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके हम कॉज के ऊपर आते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के कॉजेस क्या हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से ये होता है। ऑफन पीपल डोंट नो व्हाट ब्रॉट ऑन देयर कार्पल टनल सिंड्रोम, जनरली लोगों को नहीं पता है कि किस कारण से पैदा होता है। इट कैन बी ड्यू टू रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव मूवमेंट मतलब कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज की तरह हो सकता है, जैसे कि कोई टाइपिंग कर रहा है, और एनी रिस्ट मूवमेंट दैट यू डू ओवर एंड ओवर। आप अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे कि मान लीजिए आप टाइपिंग का काम करते हैं, आप रिपीटेटिव मूवमेंट, आप एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हैं, जैसे आप पियानो प्लेयर हैं या फिर आप प्रोफेशनल राइटर हैं, राइटर जो होते हैं ना जो अक्सर लिखने का काम करते हैं, जो ट्रांसलेशन वगैरह का काम करते हैं,
तो अगर आपका रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है रिस्ट का, हैंड का, ओवर एंड ओवर द पीरियड, जैसे कि टाइपिंग या इसी तरह का कोई भी ऑक्यूपेशनल हैबिट, तो ये उसके कारण से होता है. इट इज एस्पेशली ट्रू फॉर थिंग्स यू डू व्हेन यूर हैंड्स आर लोअर देन देयर रिस्ट. मतलब ये इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका हाथ आपकी रिस्ट से नीचे रह के काम करेगा, ये रिस्ट का लेवल है, ये हाथ का लेवल है, तो अभी तो ये सेम लेवल पे है, ठीक है ना. पर जब आपका हैंड आपके रिस्ट के लेवल के नीचे रह के काम करेगा, जैसे टाइपिंग, ये टाइपिंग ऐसे करता है बंदा, जनरली ऐसे करता है टाइपिंग, है ना, इस तरह से इस पोजिशन में, तो ये तब जनरली होता है, ठीक है ना. उसके अलावा भी इसके कुछ और कारण बताए गए हैं, कंडीशन लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, इस तरह की कंडीशन के अंदर देयर कैन बी द इंडक्शन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है ना. वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं. होम्योपैथिकली इसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर आप लोग होम्योपैथी के अंदर नंबनेस, टिंगलिंग वगैरह के लिए रिपर्टरी को डीप में सर्च मारेंगे, स्पेशली ऑन द हैंड एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए आ रही है, दैट इज वॉट इज नोन एज द रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन. तो आपको रस्टॉक्स लेनी है 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, तो फर्स्ट मेडिसिन हो गई रस्टॉक्स. एंड द सेकेंड मेडिसिन, अब आपने देखा है कि ये जो है कार्पल टनल का जो एरिया जो अफेक्टेड है वो कौन सा है, रिस्ट में. तो इसको आप मोटे तौर पे अपने समझने के लिए एक और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि इट कैन बी रिगार्डेड एज द रूमेटिज्म ऑफ रिस्ट, कि कहीं ना कहीं रिस्ट में कोई ऐसा फसाद चल रहा है जिसके कारण वहां से जो कार्पल टनल से मीडियन नर्व पास हो रही है उसका कंप्रेशन हो रहा है. सो द सेकेंड मेडिसिन इज ऑन द रूब्रिक जो मैंने समझा है इसके लिए, वो है रिस्ट का रूमेटिज्म. तो दैट इज एक्टिया स्पाइकेटा 30. Actia spicata 30. So the first medicine is rustoxydendron 30 and the second medicine is the Actia spicata 30. So दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही. ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कार्पल टनल सिंड्रोम का. बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार.